ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं फॉर अपॉइंटमेंट, वो भी स्क्रीन पर आ जाएंगी या आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। सो देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। नॉट ओवरऑल एनर्जी, आई मीन लव एनर्जी क्या रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट लव लाइफ कैसी रहने वाली है स्कॉर्पियो के लिए। लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, व्हाट अ ग्रेट एनर्जी। आप एम्परर फॉर्म में आ चुके हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक टक्कर है, कुछ है। चलिए देखिए, इट्स अबाउट मिक्स्ड इमोशंस। किसी के लिए हो सकता है देयर इज समबडी, शायद हो सकता है आपको किसी के बारे में कुछ पता चल गया है। और मे बी इट्स अबाउट कि शायद आप टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, या बाहर निकल चुके हैं या निकलना चाह रहे हैं, बिकॉज वी हैव द डेविल कार्ड हियर। सो आप यू आर टोटली टू यू नो लाइक बहुत सोच लिया, बहुत ज़्यादा आप अपने कर लिया, नाउ यू आर रेडी टू टेक एक्शन। वो वाली एनर्जी मुझे स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। और शायद हो सकता है कुछ लोग अब अपने यू नो दिल की सुनने वाले हैं, आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट देयर इज समथिंग और समवन, ठीक है, अराउंड यू। मुझे ऐसा लगता है कोई एनर्जी है या कुछ है। एंड शायद हो सकता है कि आप जगल कर रहे हैं, अभी तक जगल कर रहे थे, बट नाउ इट्स अबाउट बैलेंसिंग। किसी के साथ कुछ ठीक करना है, कोई टर्म्स ठीक करनी है, कोई आपको हेल्प आउट कर रहा है, कोई रिलेशनशिप का मैटर है। और देखते हैं लाइक यू नो इट्स अबाउट लाइक कोई कम्युनिकेशन हो रही है, कोई बात चल रही है किसी के साथ, कुछ सॉर्ट आउट करना है, वो चीज़ें आप पूछ रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, हो सकता है ये पर्सन थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी हार्ट ब्रोकन है, शैटर्ड है, या फिर आप लोगों के बीच में एकदम से मतलब बिल्कुल स्लीपिंग मोड, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ऑल दो लव है, इमोशंस है, कुछ के लिए हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, ठीक है। तो लव और इमोशंस जो है वो किसी और के लिए है, या ऐसा कुछ है, या समझ नहीं आ रही, ठीक है ना, क्या करना है, कैसे करना है, या इधर या उधर, तो कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, वो चीज़ है। एंड मे बी दे आर वेटिंग, कोई चाह रहा है, कोई वेट कर रहा है, तो वो सिचुएशन एक मिक्स्ड फीलिंग्स वाली मुझे दिखाई दे रही है। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा? आई थिंक कोई मूव नहीं दिखाई दे रहा। इनफैक्ट ये पर्सन अभी डिफेंसिव हो रहे हैं, ठीक है, और लाइक डिफेंसिव इन द सेंस कि अभी अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, तो कोई स्पेसिफिक मूव नहीं इस पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहा। और आपकी तरफ से भी आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट सिटिंग साइलेंट, ठीक है, बस अपने काम करना है, सिटिंग, नो मूवमेंट एट ऑल। तो स्कॉर्पियो के लिए व्हाट एल्स इज कमिंग इन लव? आई थिंक इट्स अबाउट यू हैव, आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, या आ सकते हैं लाइक डिफरेंट यू नो लाइक लोग आपको शायद हो सकता है अटेंशन या रीच आउट कर सकते हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है। और आई थिंक जो लोग मैरिड हैं या जो लोग उस चीज़ में हैं, तो मे बी देयर इज समथिंग, कुछ चल रहा है, समथिंग कुकिंग अप, ठीक है, कोई किसी से बात चल रही है, किसी से कुछ बातचीत चल रही है, कैसे हो, क्या हो, इट्स अबाउट यू नो आस्किंग समबडी, या किसी से कुछ राय ले रहे हैं, तो वो चीज़ स्पेशली मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, क्रॉस रोड्स पे जिसे कहते हैं कि, ठीक है, यू नो। चलिए अब हम बात करेंगे करियर की, कि करियर कैसा रहेगा आपका। ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट सक्सेस मूविंग फॉरवर्ड। ये जो पहला हफ्ता है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स व्हाट यू वांट, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। इट्स अबाउट सक्सेस, इट्स अबाउट विक्ट्री, इट्स अबाउट यू नो कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट पार्टनरशिप एज वेल, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। शायद हो सकता है, पता नहीं, अब आप कंसिडर करें कि नहीं, ये चीज़ हो सकती है। पार्टनरशिप की अगर बात करें, इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर छोटा मोटा कुछ हो रहा हो। मान लीजिए कि कुछ आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, करियर में
अच्छा कुछ करना चाह रहे हैं और वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है फॉरवर्ड मूवमेंट वाली, बट बात कहाँ आके रुक जाती है, फाइनेंसेस पे. तो शायद हो सकता है, ठीक है, आपको हेल्प, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हेल्प भी मिलेंगी, या डिफरेंट यू नो अप्लाइंग, मतलब डिफरेंट 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 जोन्स दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है कि आपको मल्टीपल पीपल रीचिंग यू आउट विद हेल्प, वो चीज़ दिखाई दे रही है फॉर स्कॉर्पियो. येस, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून हियर. तो जो भी चीज़ें हैं, तो पहले ही कार्ड पे जो भी स्टक है या जो भी कुछ है, आई थिंक उसमें से आप बाहर निकल आएंगे. स्कॉर्पियो के लिए मुझे ये चीज़ एक ये अच्छी चीज़ है, यू नो कि आपको लग रहा हो कि हाँ स्टक रह जाएंगे, बट यू विल गेट हेल्प, वो चीज़ दिखाई दे रही है. चलिए अब हम देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो फ्रॉम आवर एंजल्स. प्लीज एंजल्स, हमको बताइए क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो. ओके, दिल के दरवाजे खोल दीजिए. डोंट बी यू नो लाइक, अब कई लोग होता है ना कि अपना बहुत ज़्यादा दिल यू नो कि शायद हो सकता है, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखे हैं, बहुत कुछ देखा है, तो इट्स टाइम कि अब आप खुल के, मुझे ऐसे लगता है, ओपनिंग अप योर सेल्फ. ठीक है, किस बात का डर है आपको? यही डर है कि हाँ ये है वो है कुछ. आई थिंक देयर शुड बी लाइक क्लैरिटी, मुझे जहाँ तक लगता है कि यस, ओपन अप करने का वक्त आ चुका है. यू नो दिल से दिल वो जो कम्युनिकेशन होती है, आई थिंक, मतलब स्पीकिंग योर हार्ट आउट, जो भी आपके दिल में है पर खाली करना, वो चीज़ दिखाई दे रही है. तो वो मस्ट है, और तभी आपकी लाइफ में वो चीज़ आएगी. और दूसरा ये है, वी हैव ब्रेकिंग द चेन्स. एक एनर्जी अच्छी ये दिखाई दे रही है कि स्कॉर्पियो में शायद वो थोड़ा बहुत वो आई है वो चीज़, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है अभी भी और ज़्यादा. ठीक है, और ज़्यादा अपने आप को यू नो अंदर ही अंदर बंद मत करके रखिए, कि बस जो कुछ है वो अंदर ही अपने दबा के रखना, या चाहे वो करियर है या चाहे वो जो भी है, यू नो लाइक अंदर ही अंदर बट घुटते रहना, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, आगे की तरफ पढ़ना है तो यू हैव टू यू नो पार्टिसिपेट, वो चीज़ दिखाई दे रही है. तो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो. आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए.